हेलो दोस्त, मेरा नाम है गणेश कुमार। आप देख रहे हो गणेश टिप चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आधार नंबर और आप आधार के डिटेल्स यूज करके आप अपना पैन कार्ड नंबर पता कर सकते हो। अगर आप पैन कार्ड नंबर भूल चुके हो तो मैं आपको यहां पे 100% ये जो टिप्स है ये आपका वर्क करने वाला है। और आपको यहाँ पर कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अपना कॉल के माध्यम से सारा जानकारी आप ले सकते हो पैन नंबर। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि पैन नंबर जैसे आप ले लेते हो तो आप कोई भी पैन कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले ना बता दूँ, जो यहाँ पे आधार कार्ड आधार नंबर जो दिया गया है, आधार नंबर से भी आप पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक टर्म कंडीशन है, आप आधार नंबर से तभी आप डाउनलोड कर सकते हो जब आप ई फिलिंग वाले वेबसाइट से आप आधार कार्ड बना रखे होंगे, जो कि फ्री वाला आता है, ठीक है दोस्त। आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ई फिलिंग के माध्यम से बना रखे होंगे तो डायरेक्ट आपको ई फिलिंग सर्च करना है, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, जैसे इस पर आप टैप करेंगे, उसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ इंस्टेंट ई पैन वाला आ रहा, तो इस वाले ऑप्शन पर टैप करके आप यहाँ पर, जैसे मैंने आप इसे पहले भी दिखाया हुआ था कि आपको आधार नंबर डालना है, गेट ओटीपी वाले पर क्लिक करोगे यानी कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपको ओटीपी जाएगा और उसके बाद आपका सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप NSDL या फिर आप यहाँ पे देख पाइएगा NSDL या फिर आप UTL के माध्यम से अगर कर रखे होंगे तो आपका यहाँ से नहीं होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा आपको एक मैं नंबर डिस्प्ले पर शो करूँगा, उस नंबर पे कॉल लगाना है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सिंपल सा आप इस नंबर पे कॉल करना है, जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्पेशल नंबर है जहाँ से आप अपना पैन नंबर वेरीफाई करवा सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको दो से तीन चीज़ यानी कि आपका नाम, आपका एड्रेस यानी जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पे सही सही बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर बता दिया जाएगा। तो कैसे करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्त, मैं यहाँ पे कॉल लगाता हूँ और किसी भी नंबर से आप कॉल लगा सकते हो। आपको इस टाइप से आता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लाइन पे रहना है, और कॉल कट जाए तो आपको फिर से कॉल करना है क्योंकि यहाँ पे जल्दी से उतना कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। नमस्कार, आयकर संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू आयकर संपर्क केंद्र। हिंदी के लिए एक दबाएं, प्रेस टू फॉर कृपया आयकर विभाग के साथ सभी पत्राचार में अपना पैन अंकित करें। पैन की जानकारी के लिए कृपया एक दबाएं। आयकर रिटर्न के ऑनलाइन जानकारी और रिफंड के लिए दो दबाएं। कर भुगतान के लिए तीन दबाएं। अन्य जानकारी के लिए चार दबाएं। कृपया आयकर विभाग के साथ सभी पत्राचार में अपना पैन अंकित करें। With Income Tax Department, कृपया आयकर विभाग के साथ सभी पत्राचार में आपका पैन अंकित करें। प्लीज कोट योर पैन इन ऑल कोरेस्पोंडेंस। नमस्कार, आयकर संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मैं रंजीत, आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? जी नमस्ते सर, मैंने अपना पैन कार्ड बनाया हुआ था लेकिन मेरे पैन कार्ड का कोई भी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो सर मैं पैन कार्ड का नंबर सर मेरे को पता करना। बिल्कुल निश्चिंत रहें, जानकारी दी जाएगी। क्या मैं आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम गणेश कुमार हुआ सर। गणेश कुमार जी, आप अपना जानना चाहते हैं किसी से? नहीं सर, मैं अपना जानना चाहता हूँ सर। कॉन्टेक्ट नंबर जान सकते हो? जी सर। सिंगल नेम है? गणेश कुमार नाम है सर। GANESHKUMAR। जी सर। डेट ऑफ बर्थ जान सकते हो? जी, 1997। जी, जानकारी चेक किया है कितना है? ओके सर। क्या सर, आपके पिताजी का नाम जान सकता हूँ? जी सर। जी सर। E for इंग्लैंड का ई। ओके सर। ई। D for दिल्ली का टी। ओके सर। मेरा पैन नंबर ही है ना सर?
जी सर। ओके सर। एम फॉर महाराष्ट्र। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई जानकारी चाहेंगे? नहीं सर, ये काफी है सर। आयकर संपर्क केंद्र कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। सेम टू यू, थैंक यू। तो दोस्त, आप इसी तरीके से पता कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे पता किया, और उसके बाद आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो पैन नंबर पता चल जाने के बाद। दोस्त, यहाँ पे मैंने हाइड करके रख दिया था, कुछ टाइम्स के लिए मैंने यहाँ पे स्किप भी कर दिया था, इसलिए क्योंकि मैं पूरा रिकॉर्ड करता था, यहाँ पर टाइम लगता है यहाँ पर सर्च करने में, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता था, यानी कि बहुत लंबा वीडियो बन जाता। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक आप अपना प्यारा सा कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए